लोगों के खातों से पैसा उड़ाने वाले ठग नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया को अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया। ऐसे में यह सब खुद को प्रशासनिक अधिकारी, नेता या फिर आर्मी का अफसर या कर्मचारी होने का झांसा देकर लोगों से ठगी करते हैं और एक प्रमुख साइट OLX को अपना सहारा बना लिया है। ऐसे ही OLX के माध्यम से विज्ञापन देकर कुछ आरोपियों ने अपना निशाना बनाया, जिसके दो आरोपियों को बिलासपुर पुलिस ने राजस्थान राज्य से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साइबर फ्रॉड के इस कार्यवाही के दौरान पुलिस साइबर 2020 मिशन अभियान चला रही है, जिसमें विगत दिनों की गई कार्यवाही में दो आरोपी पुलिस की हिरासत में आए हैं। इनके पास घटना में प्रयुक्त मोबाइल और 10,000 रुपए नकद बरामद किए, जिसका खुलासा बिलासपुर में किया गया। सिटी कोतवाली थाने में प्रार्थिया ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने पलंग बिक्री की डिटेल पोस्ट की थी, जिसके बाद अज्ञात आरोपी ने प्रार्थिया से भुगतान के संबंध में उनका गूगल पे नंबर मांगा। इसके बाद उन्होंने गूगल पर पे नहीं होने पर अपने रिश्तेदार का नंबर दिया। इसके बाद अज्ञात आरोपी ने झांसे में लेकर सारी उनसे निकलने वाली और 55,000 रुपए की राशि आहरित कर ली थी। दूसरी घटना सरकंडा थाने की है, जिसमें एक्टिवा गाड़ी का विज्ञापन देखकर गाड़ी बेचने वाले के नंबर से संपर्क किया गया। उसने अपने आप को फौज में होना बताया। इसके बाद लेन देन का मैसेज चलता रहा। इसके बाद सौदा तय होने पर प्रार्थी ने आरोपी के बताए नंबर पर कुल 45,950 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इस पूरे मामले में पुलिस ने भरतपुर राजस्थान में डेरा डाला और वहां 11 दिनों की मेहनत के बाद सरकंडा थाने में दर्ज शिकायत में जाकर आरोपी को भरतपुर राजस्थान से रुकमीन को और उनके साथी मोहम्मद जाबिर को भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बैंक खाता, मोबाइल, नगद 10,000 रुपए जब्त किए गए हैं। OLX से संबंधित दो प्रकरणों में बिलासपुर पुलिस ने आरोपियों को भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। एक कोतवाली थाना का प्रकरण है, जिसमें प्रार्थिया ने न के कुछ सामान को बिक्री हेतु विज्ञापन डाला था, जिसमें आरोपी ने लोग संपर्क किया और गूगल पे के माध्यम से लगभग 55,000 की ठगी के साथ करी। इसके अलावा एक मामला सरकंडा का था, जिसमें एक प्रार्थी के साथ आरोपी ने ठगी करी। आरोपी ने अपने आप को आर्मी का ऑफिसर बताया, माना कैंप का रहने वाला बताया और एक वाहन खरीदी बिक्री के नाम से जो संपर्क में आकर थे इनसे ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से लगभग 50,000 रुपये का उन्होंने ट्रांसफ़र कराया और इस तरीके से इन दो केसेस में इनके साथ फ्रॉड किया गया है, जिसके दोनों आरोपियों को भरतपुर राजस्थान में हमारी टीम लगभग 10 दिनों से है, जिसमें इन दो आरोपियों को गिरफ्तार करके वहाँ से ट्रांजेक्ट प्रमाण पर लाया गया है। इसके अलावा कुछ और भी लोगों की पतासाजी में हमारी टीम राजस्थान में। ठीक।